बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। फ्रेंड्स, जिस टाइप का मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को दिखाया वीडियो, उस टाइप का आप लोग कलर चेंजिंग वीडियोस कैसे बनाएं अपने काइन मास्टर से, तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं आप लोग को। पूरे वीडियो को देखना है तो चलिए आप लोग को मोबाइल स्क्रीन पर ले चलकर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब आ चुके हैं अपने काइन मास्टर के स्क्रीन पर। देख सकते हैं मैंने एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया जिसको हमें कलर चेंज करना है जिसके बैकग्राउंड का। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं पहले आप लोग को वीडियो प्ले कर दिखा देता हूँ, कोई भी कलर चेंजिंग अभी नहीं हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में भी कोई भी कलर चेंजिंग नहीं हुआ, तो आप लोग को चेंज करके दिखाने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप लोग को करना क्या, इधर होम वाला जो ऑप्शन रहता है, हाउस जैसा इधर बना रहता है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस टाइप का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप लोग को इधर एग्जांपल लिखा रहता है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद कलर का ऑप्शन आएगा, तो कलर के ऑप्शन में जाना है। अब कलर के ऑप्शन में आप लोग जाते हैं तो इधर कलर चेंजर का एक ऑप्शन मिलता है इधर, ये इस इफेक्ट का, तो इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा। आप लोग को इसको इधर से इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो उसके बाद में आप लोग को बैक जाना है। अब देखिए मैं इसको इंस्टॉल किया हूँ तो बैक जाता हूँ। उसके बाद में जब बैक जाएंगे तो इधर लेयर के ऑप्शन पर जाएंगे आप लोग। लेयर पर जाने के बाद में इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो इधर इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उधर देख सकते हैं कलर चेंजर जो ये अब था ऐप था, मतलब जिसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, वो देखिए इधर है। उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद राइट पर क्लिक कर देंगे। राइट कर पर क्लिक करने के बाद देखिए इसको कहाँ से आप लोगों को कितना मतलब चेंज करना है बैकग्राउंड, उसको इधर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग ऐसे कलर को कैसे भी डिसबैलेंस कर सकते हैं। देख सकते हैं जो भी कलर चाहते हैं आप लोग ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी देखिए थोड़ा कलर चेंज हो गया। उसके बाद इसको कम करके फिर से आप लोग दूसरा कलर चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए इधर से फिर से आप लोग लेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से इफेक्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, फिर से वही कलर चेंजर इफेक्ट, फिर उसको राइट पे करेंगे। उसको आप लोग एडजस्ट कर लेंगे कितना कलर चेंज करना है। उसके बाद सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप लोग को कलर जो भी चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं काफ़ी सारे कलर्स आ जाते हैं। फिर से देख सकते हैं, देखिए कलर चेंज हो रहा है। देखिए ऐसे ही आप लोग कितने भी कलर्स लगा सकते हैं, इसे थोड़ा थोड़ा करके करके आप लोग कलर काफ़ी सारे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने बताया आप लोगों को काइन मास्टर में कलर चेंजिंग इफेक्ट्स कैसे लगाएं, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए, साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही यूट्यूब से रिलेटेड या फिर वीडियोज मेकिंग से रिलेटेड टिप्स मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।